तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DBS Tech पर। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi की ओर से आने वाले एक नए सीरीज के बारे में, जो कि 5G के साथ में इंडिया के मार्केट में देखा जा सकता है। और ये फोन जो है सबसे पहला जो इसमें जो है तीन फोन लॉन्च होने, जो कि पहला फोन जो है 19 मई को जो है लॉन्च करने किया कर दिया जाएगा इंडिया के मार्केट में। तो तीनों फोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो को अपलोड करूँ वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी चाइना में जो भी फोन रेडमी की ओर से लॉन्च होता है तो वो 5G के साथ में लॉन्च होता है, क्योंकि रेडमी की ओर से जो रेडमी नोट 9 और 8 जो सीरीज लॉन्च हुआ था वो जो है 5G के साथ इंडिया चाइना के मार्केट में लॉन्च हुआ था। जब ग्लोबली लॉन्च किया जाता है तो ये 4G के साथ साथ इंडिया में जब लॉन्च होता है तो 4G के साथ ही लॉन्च होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी टाइम है इंडिया के मार्केट में, जैसे कि भारत सरकार की ओर से बोल दिया गया है कि आप जो है ट्रायल बेस पर जो है 5G लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर रेडमी जो है एक ऐसा सीरीज लेकर आ रहा है जो कि 5G के साथ में है, और ये फ़ोन जो है जल्द ही आपको इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगा। 19 मई को जो है पहला फ़ोन लॉन्च होना है रेडमी की ओर से, जो कि खुलिया बदल का जो है पोको M3 प्रो के नाम से जो है इंडिया के मार्केट में देखा जाएगा। 19 मई को ये फ़ोन जो है लॉन्च होना है। और ये फ़ोन जो है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, इस सीरीज़ के अंदर जो है तीन फ़ोन लॉन्च होने हैं। पहला फ़ोन निकल का आता है रेडमी नोट 10 5G, और इस फ़ोन का जो है पूरा खुलिया बदल कर जो है इंडिया के मार्केट में पोको M3 प्रो के नाम से जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। प्लेट अंदर की वही लगी है, लेकिन अंदर का जो बल्कि बाहर के जो हिस्सा है, स्क्रीन भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मेरे कहने का मतलब जो बॉडी है मोबाइल की, उसको पूरी तरह से चेंज करके पोको M3 प्रो के नाम से जो है इंडिया के मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो पहला फ़ोन जो है रेडमी नोट 10 5G चाइना में लॉन्च हुआ, और उसका जो रीब्रांड होकर जो है इंडिया में जो है पोको M3 प्रो के साथ जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, 19 मई को उसकी तारीख है। तो ये जो पहला फ़ोन निकल कर आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 की ओर से आता है। बाकी सारे स्पेक्स जो है सामने निकल कर आ गए हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा मेरे पिछले वाले वीडियो को, मैंने आपको उसमें बताया है कि पोको M3 प्रो के स्पेसिफिकेशन क्या है। बात करते हैं हम नेक्स्ट फ़ोन के बारे में। तो अगला फ़ोन लॉन्च होना है करीब, पहला ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जो है एक महीने के अंतराल में जो है ये फ़ोन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस फ़ोन का नाम होने वाला है जैसा चाइना में पोको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी नोट 10 प्रो प्लस 5G, तो दो फ़ोन जो है लॉन्च किया जाएगा। तो अगर हम बात करें दूसरे फ़ोन के बारे में, तो रेडमी नोट 10 प्रो 5G के अंदर जो है आपको मीडियाटेक का जो है नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 900, इसका नाम है मीडियाटेक प्रोसेसर 900, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का जो है प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर है कि अगर हम इस प्रोसेसर के बारे में रियली बात करें तो ये जो इसका जो चिपसेट है 6 नैनोमीटर के प्रोसेसर पर रन करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है और नया प्रोसेसर है, बिल्कुल कमाल का प्रोसेसर है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो स्पेक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको, और आने वाले समय में एक अच्छे रेट के साथ जो है आपको दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अगर गेमिंग वेमिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दमदार प्रोसेसर के साथ में रेडमी नोट 10 प्रो 5G इंडिया के मार्केट में देखा जाएगा। और अगला फ़ोन अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला नाम इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इतना ज़्यादा लंबे नाम है रेडमी नोट 10 प्रो प्लस 5G, तो इतना लंबा नाम है, काफ़ी ज़्यादा लेने में दिक्कत भी होता है नाम। तो ये फ़ोन जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 के साथ जो है इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगा। तो ये भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस फ़ोन के अंदर जो चिपसेट दिया गया है वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर इसमें जो है आप अगर गेमिंग वेमिंग करेंगे तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस प्रोसेसर के अंदर एक खास क्वालिटी ये है कि जो इसका कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस प्रोसेसर के मीडियाटेक 1100 प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर जो है इसका जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर के मतलब चिपसेट पर बेस होगा, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। तो गेमिंग वेमिंग करेंगे तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाला। इसका जो एक कड़ा टक्कर दे सकता है स्नैपड्रैगन के जो भी नए प्रोसेसर आए हुए हैं 888 को छोड़कर, बाकी जी जो है इसका GPU काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो फ़ोन जब लॉन्च होगा तो देखेंगे किस टाइप का ये फ़ोन लॉन्च होता है इंडिया के मार्केट में। बाकी तीनों फ़ोन जो है इसका तय हो चुका है कि इंडिया के मार्केट में 5G के साथ में लॉन्च होना है। तो बस दोस्तों मेरा कहना मतलब ये है, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तीनों फ़ोन जो है इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगा। पहला फ़ोन जो आता है रेडमी नोट 10 5G, जो कि 19 मई को पोको M3 के नाम से जो है भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि 5G के साथ में है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं DBS Tech। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।